मैं एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ कि जो मेरी बाकी उम्र है मैं उसमें वो सारा पैसा, अगर मेरे पास उससे ज़्यादा है तो मैं उस पैसे को जलाना चाहता हूँ। जलाने का मतलब है कि मैं उस पैसे को खर्चना चाहता हूँ अपने लाइफ टाइम में गरीबों के ऊपर, गरीबों की खुशहाली के ऊपर। जब जोश, जुनून और जज्बा हो तो इंसान बड़ी से बड़ी चट्टानों को हिला सकता है। और आज समय स्पेशल में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी ही हस्ती से जिसका नाम है रॉबिन राइना, जिनके हौसलों की और जिंदा दिली की मिसालें सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दी जाती हैं। मैं बिजनेसमैन बाद में हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग पहले हूँ। तो बहुत साल पहले 2003 में मैं एक हमारे बिजनेस इविक्स ऑफिसेज में कहीं चौथे मरले पे था और कहीं एब्सेंट माइंडेडली पीछे देख रहा था किसी बिल्डिंग में, कुछ डील के बारे, किसी चीज़ के बारे सोच रहा था। और मैंने बहुत से स्लम देखे बिल्डिंग के पीछे नोएडा में। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर हम एक फाउंडेशन बनाएं रॉबिन राइना फाउंडेशन के नाम से, जो कि अपने आप को डेडिकेट करे गरीब बच्चों की, गरीबों की खुशी के लिए, तो एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, मिलियंस ऑफ पीपल कैन बी हैप्पी, बच्चों के स्माइल लाएं, एजुकेशन उनके लाइफ में लाएं, तो जनरेशंस चेंज हो सकती है, इंडिया भी एक बेटर देश बन सकता है। तो उस नज़रिए से फिर रॉबिन राइना फाउंडेशन बनी और उसको फिर मैंने थोड़ा फैशनेबल और कूल बनाया, वो इसी एंगल से, ताकि जो यंगर जनरेशन है वो उसको अडॉप्ट करें। बवाना जो था एक हिंदुस्तान या एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम बन रहा था, और आज की डेट में वो 30% जो उसका एरिया है वो स्लम नहीं रहा है। तो वो घर बिल्कुल ठीक ठाक बन चुके हैं, वहाँ पे 30% घर बन चुके हैं, लोगों के घर हैं और प्रॉपर एड्रेसेस हैं लोगों के पास। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाके, और मैं तो हमेशा ही जाता हूँ, हमारे स्कूल हैं, घर हैं, तो मेरे तो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर। मगर हमारी कोशिश ये होगी हमारी जर्नी में कि हर तरह से हम एक जर्नी में चलते रहें, अपनी कोशिश जारी रखें कि एक एक कारवा की तरह है ये तो चलता ही रहेगा। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आते रहेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कभी घरों के प्रोजेक्ट हैं, कभी पाकिस्तान में कैंसर वार्ड का प्रोजेक्ट है, तो कहीं अमेरिका में, अलबामा में किसी का घर बना रहे हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस भी काम में जाऊं, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या बिजनेस वर्क हो या अगर फिल्म मेकिंग है या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है, मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा हट के काम करें, थोड़ा परफेक्शन से काम करें, थोड़ा और मज़ा एंजॉय करके काम करें। तो वो जो आप देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है, एक एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है। जो ऑफिस में लोग काम करने आते हैं, अल्टीमेटली क्या है, वर्क इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर उस स्टेट ऑफ माइंड को हम पॉजिटिव रखेंगे और खुशहाल बनाएंगे तो लोगों को काम काम ही नहीं लगेगा ना, मज़ा आएगा काम करने में। तो वही कोशिश करी है इस ऑफिस में कि सब चीज़ों को इस तरह से बनाएं कि लोगों को अच्छा लगे और मज़ा आए काम करके। मैं एक पहले एक इंडियन हूँ, वैसे ऑन पेपर मैं एक अमेरिकन हूँ, मगर मेरा दिल इंडिया में है, तो मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानता हूँ। तो हिंदुस्तान में हमने पिछले 18 महीने में हमने लगभग $500 million इन्वेस्ट कर चुके हैं हम आज की डेट में। तो हमारी कोशिश ये है, हमने 12 या 14 कंपनीज खरीदी हैं, कल भी 2 कंपनीज खरीदी हैं। कोशिश ये है कि इंडिया को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं। देखिए, आज इंडिया एक मेरी नज़र में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। आई थिंक एक मैटर ऑफ टाइम है, 10 साल के अंदर मेरी नज़र में इंडिया सुपर पावर बन के रहेगा। और मेरी नज़र में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो काम किया है पिछले 4 साल में, उन्होंने एक इंडिया को एक मैप पे डाल दिया है। मैं कहता हूँ कि एक आदमी को एस्टिमेट करना चाहिए मेरे पास आज कितनी वेल्थ है, क्योंकि हमारे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में जिनका बहुत पैसा है। अगर वो ये सोचें कि मैं ये 25 साल में कितना पैसा मुझे चाहिए, कितना पैसे से मैं बहुत अच्छे से रह सकूँ, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी चला सकूँ, तो अगर वो एक कैलकुलेट कर लें, उसके बाद भी उनको ख्याल आएगा कि मेरे पास तो बहुत पैसा पड़ा हुआ है, वो जो पैसा पड़ा हुआ है उसका क्या करोगे आप। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ब्लूप्रिंट टू डेथ, कि मैं एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहता हूँ कि जो मेरी बाकी उम्र है मैं उसमें वो सारा पैसा, अगर मेरे पास उससे ज़्यादा है तो मैं उस पैसे को जलाना चाहता हूँ। जलाने का मतलब है कि मैं उस पैसे को खर्चना चाहता हूँ अपने लाइफ टाइम में गरीबों के ऊपर, गरीबों की खुशहाली के ऊपर। एक इंस्टीट्यूशन छोड़ना चाहता हूँ जो कि जब हम जाएँ तो वो बच्चे आगे से आगे चलते रहें, और बच्चे, मिलियंस ऑफ किड्स कैन बी हैप्पी, कैन बी एजुकेटेड।
रॉबिन राइना जैसे लोग आपके और हमारे लिए एक मिसाल है कि अगर हम ये ठान लें कि हमें किसी की दिल से मदद करनी है तो वो दिन दूर नहीं जब कोई पेट भूखा नहीं सोएगा और हर किसी के सर पर छत होगी। और ये भी बात हम बहुत बुलंदी और ज़ोरों शोरों से कह सकेंगे कि हमारा भारत सबसे सुंदर भारत।